हाय गैस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गैस, मैं वसीम और आप देख रहे हो अपना ही यूट्यूब चैनल राइड विद वसीम। सो गैस, मेरे सामने पल्सर 180 सीसी बाइक, तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में इंजन ऑयल की लेवल आप कैसे चेक कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरी और कोई बाइक है तब भी आप देख सकते हो इंजन ऑयल की लेवल अभी कितनी है आपकी बाइक में। तो बिल्कुल यार, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो इंजन ऑयल है ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बाइक के लिए। टाइम टू टाइम इंजन ऑयल को चेंज कर लो, इंजन ऑयल की लेवल सही होगी ना तो बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक आपके बाइक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम जाते हैं ना कभी मैकेनिक के पास, उसको हम बोलते हैं कि यार इंजन ऑयल की लेवल चेक कर लो अभी कितनी है, तो बिल्कुल यार जब बाइक रनिंग में होती है ना तब हम नहीं देख सकते इंजन ऑयल की लेवल कितनी है। उसका रीज़न ये है, जब इंजन ऑयल मिक्स होता है ना पार्ट्स के साथ, तब आप कैसे देख सकते हो इंजन ऑयल की लेवल अभी कितनी है। जो बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि आप मॉर्निंग में देख सकते हो इंजन ऑयल की लेवल कितनी है, क्योंकि जो इंजन ऑयल होता है ना वो पूरा नीचे चला जाता है, तो तब आप एग्जैक्टली देख सकते हो इंजन ऑयल की लेवल कितनी। तो गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंजन ऑयल की लेवल चेक कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि यार कितने किलोमीटर के बाद हमें इंजन ऑयल चेंज करना है, 3000 किलोमीटर के बाद, 2000 किलोमीटर के बाद, या 1800 किलोमीटर के बाद, वॉट एवर जो भी है, ठीक है। बट थोड़ा ये कंसेप्ट हमारा थोड़ा ये गलत है। आप यार खुद देख सकते हो पहले क्या मुझे इंजन ऑयल चेंज करना है, क्या टाइम आ गया कि मुझे इंजन ऑयल चेंज करना है, वो आप कैसे देख सकते हो वो मैं आपको बोलूँगा। जब आप इंजन ऑयल की लेवल चेक कर लोगे, इंजन ऑयल की अगर लेवल कम हो गई है, या इंजन ऑयल में जो चिपचिपाहट होती है वो कम हो गई है, या इंजन ऑयल है वो ब्लैक होने लगा है, बिल्कुल यार तब आप इंजन ऑयल को चेंज कर सकते हो, वो टाइम आ गया कि इंजन ऑयल को चेंज कर लो। अगर आपने बाइक को 2000 किलोमीटर रन करा है, 1800 किलोमीटर को रन करा है, तब आपने अगर देखा जो इंजन ऑयल है उसकी जो लेवल है अभी ठीक है, या इंजन ऑयल में भी जो चिपचिपाहट है अभी है, या इंजन ऑयल अभी पूरी तरीके से ब्लैक नहीं हुआ है, तो तब आप यार रन कर सकते हो बाइक। इंजन ऑयल की लेवल कम हो गई है, जो चिपचिपाहट है वो भी कम हो गई है, और जो इंजन ऑयल है वो ब्लैक होने लगा है, तो बिल्कुल तब आप यार चेंज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अ बेटर एंड बेस्ट तरीका, मैं आपको सारा कुछ बोलूँगा दिखाऊँगा इसी वीडियो में। तो बिल्कुल यार सब्सक्राइब चैनल को कर लेना बिल्कुल यार, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मैंने बाइक और रख लिया यहाँ पर मेन स्टैंड पे, तो मैं आ गया यहाँ पे राइट साइड में जहाँ पे हम ब्रेक मारते हैं, तो बिल्कुल उसके पास में ही आप यहाँ से देख सकते हो इन्होंने रखा है, इसके थ्रू आप देख सकते हो इंजन ऑयल की लेवल। जब आप नॉर्मली बाइक में डालते हो ना इंजन ऑयल, जो उसकी जो लेवल है ना वो बीच में आ जाती है, ठीक है, यहाँ तक आ जाती है वो लेवल। जो अभी करंटली मेरे बाइक के जो इंजन ऑयल की लेवल है वो ये है इंजन ऑयल की लेवल अभी मेरे बाइक की, ठीक है। अगर यही इंजन ऑयल की लेवल अभी आपके बाइक में है तो दैट मीन्स यार आपको बाइक इंजन ऑयल चेंज करना होगा। अगर इसे ऊपर है इंजन ऑयल की लेवल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर बिल्कुल नीचे चली गई है इंजन ऑयल की लेवल तो दैट मीन्स यार आपको चेंज करना होगा। जब हम इंजन ऑयल डालते हैं बाइक में जो लेवल है वो आ जाती है सेंटर में, जब हम बाइक को रन करते हैं तो आहिस्ता 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 तक ये चला जाता है नीचे, तो बिल्कुल नीचे चला गया है इंजन ऑयल यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, चेंज करना होगा। अगर अभी सेंटर में है या सेंटर से थोड़ा नीचे है तो बिल्कुल यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप रन कर सकते हो। अगर बिल्कुल नीचे चला गया है या कुछ भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स क्या करना होगा, इंजन ऑयल आपको करना होगा चेंज। तो ऐसे आप बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल ईजिली आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पर एक चीज़ भाई, एक तो हो गया कि इंजन ऑयल की लेवल कैसे चेक करनी है, दूसरा ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि यार इंजन ऑयल हमें चेंज करना है, ठीक है, अब टाइम आ गया कि हमें इंजन ऑयल चेंज करना है। तो बिल्कुल उसका बेस्ट तरीका मैं आपको बोलूँगा आपको क्या करना होगा। यहाँ पे जो कैप होती है ना, तो बिल्कुल जहाँ से हम इंजन ऑयल डालते हैं तो ये कैप आपको यहाँ से ओपन करनी है, इसको रिमूव करना है, मैंने लूज करके रखा था। अब क्या करना है, कोई भी स्टिक, ठीक है, क्या करना है इसमें डाल दो आप, मैं डाल लेता हूँ, आप देख रहे हो मैं डाल लेता हूँ, तो यहाँ से निकलेगा इंजन ऑयल। तो आप या रख लो, मैं इस पर रख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने जो इंजन ऑयल है वो यहाँ से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है ये ज़्यादा ब्लैक तो नहीं हो गया, अगर ये ज़्यादा ब्लैक हो गया है तो दैट मीन्स यार इंजन ऑयल आपको चेंज करना है। अगर ज़्यादा ब्लैक नहीं हुआ है तो बिल्कुल यार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आपको क्या देखना है, साथ में देखना है, इसको उठा के देखना है, इंजन ऑयल को हाथ में रखना है, तो इसमें देखना है कि इसमें चिपचिपाहट है कि नहीं। बिल्कुल जो चिपचिपाहट होती है बिल्कुल इंजन ऑयल में होनी चाहिए, अगर चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है तो बिल्कुल यार इंजन ऑयल चेंज करना है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है आपको, इंजन ऑयल की लेवल देखनी है कितनी है, लेवल ठीक है तो बिल्कुल, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद ये देखना है कि जो इंजन ऑयल है वो पूरा ब्लैक तो नहीं हो गया है। फिर तीसरा क्या देखना है, तीसरा ये देखना है कि जो इंजन ऑयल है उसमें भी चिपचिपाहट ये है कि नहीं है। अगर ये
तीनों चीज़ें बिल्कुल सही में आपके बाइक में है तो फिर आपको अभी इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है। अगर जो इंजन ऑयल की लेवल कम हो गई है और प्लस जो इंजन ऑयल वो ब्लैक हो गया है और चिपचिपाहट भी कम हो गई है तो दैट मीन्स क्या करना है आपको, इंजन ऑयल बिल्कुल चेंज करना है, ठीक है। फिर आप 1500 किलोमीटर क्यों ना चले हो, 2000 किलोमीटर क्यों ना चले हो, बिल्कुल इंजन ऑयल चेंज करना है। अगर देख सकते हो बेस्ट एंड सिंपल तरीका मैंने आपको बोला है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी तो कमेंट में लिख सकते हो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय, ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो।